नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम स्टिलजैन बोर और स्टैनली गियर दो विधियों का अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही विधियाँ ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए काम में ली जाती हैं। इसके अंतर्गत बिंदु एवं गोले दो विधियों का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम आती है स्टिलजैन बोर विधि। ये विधि किसी क्षेत्र को ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई है। इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं के द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व कम होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या का घनत्व उससे कई गुना अधिक होता है, जो ग्रामीण जनसंख्या के लिए निर्धारित मान के बिंदुओं से नहीं दिखाया जा सकता। अतः ग्रामीण जनसंख्या बिंदुओं से तथा नगरीय जनसंख्या द्विमीय आकार के वृत्तों से नगर को केंद्र मानकर प्रदर्शित की जाती है। वृत्तों तथा बिंदुओं के क्षेत्रफल में एक निश्चित अनुपात रखा जाता है, अर्थात नगर की एक बिंदु से जितने गुना जनसंख्या हो वृत्त का क्षेत्रफल भी उतने ही गुना होता है। नगरीय जनसंख्या दर्शाते समय वृत्तों के अर्धव्यास नगरों की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए किसी एक संख्या को चुनकर निम्न सूत्र की सहायता से अर्धव्यास ज्ञात किए जाते हैं। कहने का मतलब, वृत्त के जो रेडियस होते हैं वो वर्गमूल के अनुपात में होते हैं। इसमें जो फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर अंडररूट के अंतर्गत कोई संख्या कहने को नेक्स्ट जनसंख्या, चुनी हुई जनसंख्या में जिस प्रकार से हम त्रिविम आकार के वृत्तों और गोले का आपने सूत्र पहले भी पढ़ा है कि उसमें एक संख्या का हम मान लेते हैं, चाहे वो छोटी हो सकती है जनसंख्या, चाहे बड़ी हो सकती है। असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद में एक संख्या हम सेलेक्ट करते हैं, उसका अर्धव्यास भी हम मान लेते हैं, और इसके बाद में जो दूसरी संख्या है नेक्स्ट, जो भी मान लीजिए 10 संख्या है हमारी, तो उसमें नेक्स्ट कोई संख्या, उसमें चुनी हुई जनसंख्या का भाग और माने गए अर्धव्यास का, या तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लें और इसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लें, या फिर हम क्या करें कि पहले सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल लें और वर्गमूल निकालने के बाद में जो हमारा रेडियस होगा, आर होगा, या वृत्त का अर्धव्यास होगा, वो होगा रेडियस आर बराबर नेक्स्ट संख्या बटा सेलेक्ट की गई संख्या या चुनी हुई संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास। इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमें रेडियस या उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात हो जाएगा। तो इसके दो तरीके से, या तो हम पहले सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लें, और यदि वर्गमूल ज्ञात नहीं करते हैं तो हम पहले उन संख्याओं को कैलकुलेट कर लें और लास्ट में उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लें, तो हमारे पास में उसका रेडियस प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त सूत्र द्वारा नगरों के वृत्तों के अर्धव्यास ज्ञात करके ऐसे नगरों की मानचित्रीय स्थिति पर वृत्तों के केंद्र मानकर, जहाँ पर भी सेंटर है, मान लीजिए आपने कोई जिला राज्य सेलेक्ट किया है, तो उसके जितने भी ज़िले हैं, तो हर ज़िले पर नगरीय जनसंख्या है, तो हम उसको हर ज़िले पर नगरीय जनसंख्या का वृत्त बनाएंगे और बाकी क्षेत्रों को ग्रामीण संख्या में कैलकुलेट कर देंगे। यदि हमें तहसील है तो उसमें कौन कौन से शहर हैं उनका हम वृत्त बनाएंगे। इन वृत्तों को या तो खाली छोड़ देते हैं या उनमें बहुत हल्की छाया भर देते हैं, जिससे उनके भीतर स्थित ग्रामीण जनसंख्या प्रकट करने वाले बिंदु स्पष्ट दिखाई दें। ग्रामीण जनसंख्या दर्शाने के लिए जिस आकार के बिंदु निश्चित किए जाते हैं, और ग्रामीण जनसंख्या के लिए हमें एक बिंदु बराबर निश्चित 10,000, 5,000 जैसी भी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मान निर्धारित कर देते हैं, और उस मान का टोटल जनसंख्या में भाग देने के बाद में हमारे पास में बिंदुओं की संख्या प्राप्त हो जाती है, और उन बिंदुओं को हम भौतिक जो फिजिकल फीचर हैं, जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, उनको छोड़ते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम समान आकार के बिंदु जितने संख्या आती है वो उस क्षेत्र में बना देते हैं। यदि उनका वृत्तों के आकार से अनुपात निश्चित किया जा सके तो ये विधि अधिक युक्त। मान लीजिए यदि हम उसका जो बिंदु है उसको इसमें शामिल कर लें कि उसके कैलकुलेशन उसके आधार पर करें, तो ये ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, युक्तिसंगत हो सकता है, परंतु ऐसा तभी संभव है जो कि जनसंख्या का अंतर अत्यधिक नहीं हो।
उदाहरण के लिए 1 मिलीमीटर व्यास का बिंदु 10,000 जनसंख्या को दर्शाता हो, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के द्वारा 1,00,000 जनसंख्या वाली बस्ती और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले या 5 सेंटीमीटर व्यास वाले 10,00,000 तक की जनसंख्या की बस्तियाँ आसानी से दर्शाई जा सकती हैं। परंतु यदि नगरों की जनसंख्या इससे भी अधिक है तब विशाल वृत्तों को चित्रित करने में कठिनाई आती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को वृत्तों और बिंदुओं से दर्शाया गया है, लेकिन इसके लिए क्योंकि किताब में जो लेखक जहाँ का होता है लिखने वाला तो वहीं का अप्लाई करता है, हमें अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने स्टेट का इसमें अप्लाई करना है। अब यदि हम राजस्थान का लेंगे ज़्यादा युक्तिसंगत होगा, अपने ज़िले के लेंगे अलवर का लेंगे तो और भी ज़्यादा युक्तिसंगत होगा। वहाँ का हम पहले मानचित्र बनाएंगे, मानचित्र बनाने के बाद में जो भी तहसीलें हैं या ज़िले हैं डिस्ट्रिक्ट ले यदि हम स्टेट लेवल के काम करते हैं तो अब ये यहाँ पर यूपी का दिया गया है, यूपी के बारे में हमें ज़्यादा स्टेट जानकारी नहीं, अपने स्टेट की उससे भी ज़्यादा जानकारी हमारे पास में रहती है, तो हम यहाँ पर यूपी की जगह राजस्थान का उपयोग ले सकते हैं। और इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी जनसंख्या दोनों का आंकड़े लेते हुए ग्रामीण जनसंख्या को हम बिंदुओं से, एक बिंदु की संख्या हम निश्चित कर देंगे, एक बिंदु बराबर कितने हज़ार हमारी जनसंख्या है, और जो आपका वृत्त है वृत्त बनाने के लिए हमें उसके जो सारे मूल्य हैं उनका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के बाद में एक उसको असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में जमाने के बाद में हमें एक संख्या का हमें रेडियस मानना पड़ेगा, और उसके बाद में अगली संख्या बटे न्यूनतम संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास। इसकी सहायता से हम प्रत्येक जो नगरीय जनसंख्या या नगरीय केंद्र है उसका हम रेडियस निकाल लेंगे, और उस रेडियस की सहायता से हम उस क्षेत्र में उसका सर्किल खींच देंगे, उसके अंदर भी हम कुछ गोले बना सकते हैं जो ग्रामीण जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि गोला बहुत बाहर तक जाएगा तो इसे यदि हम इसमें अंदर सर्किल नहीं में बिंदु नहीं बनाएंगे तो वो हमें डॉट लगाने में या ग्रामीण जनसंख्या प्रदर्शित करने में दिक्कत होगी। तो ये थी हमारी स्टील जैन बोर विधि। स्टील जैन बोर विधि में ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और नगरीय जनसंख्या को वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और वृत्त बनाने के लिए हमें प्रत्येक जन जो संख्या है उसका हमें वर्गमूल निकालना होता है और सूत्र निकालकर हमें रेडियस निकालना होता है। अब आती है स्टैंडिगेयर विधि। स्टैंडिगेयर विधि, ये विधि भी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि का निर्माण सर्वप्रथम स्वीडनवासी स्टैंडिगेयर ने सन 1917 में एक एट्रस में किया था। स्टील जैन बोर की विधि से इसमें इतना अंतर है कि इसमें नगरीय जनसंख्या वृत्त के स्थान पर गोले, हम स्पीयर और वृत्त दोनों ही त्रिबिंब आरेखों में पढ़ चुके हैं कि इसमें वृत्त के स्थान पर गोले दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। गोले का केंद्र नगर विशेष का केंद्र होता है। इसमें अत्यधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या के लिए संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए त्रिबिंब आकार के गोले बनाए जाते हैं। इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को गोले से घिरे क्षेत्र में आसानी से नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि गोला खड़ी और क्षैतिज रेखाओं से, चाप रेखाओं से घिरा होता है, उसमें हमें बिंदु दिखाई नहीं दे सकते। इसमें ग्रामीण जनसंख्या दर्शाने के लिए तो बिंदु ही बनाए जाते हैं, परंतु नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए वृत्तों के स्थान पर संख्या को पैमाने के आधार पर घनमूल ज्ञात करके, कहने का मतलब हमारा वहाँ पर वृत्त वर्गमूल के अनुपात में होते हैं और गोले हमारे घनमूल के अनुपात में होते हैं, आनुपातिक गोलों द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिविमीय आरेख होने के कारण इस विधि द्वारा थोड़े से स्थान पर अधिक नगरीय आबादी दिखाई जा सकती है। किसी क्षेत्र में के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण को दिखाने में स्टील जैन बोर विधि में कभी कभी नगर केंद्र की अधिक जनसंख्या होने के कारण वृत्तों का आकार बहुत बढ़ जाता है, तो कभी कभी मानचित्र में वृत्त सीमा रेखा से बाहर चला जाता है। यहाँ वृत्त के एक दूसरे, क्योंकि जो वर्गमूल है वो आपका टू डायमेंशनल होता है तो ज़्यादा एरिया घेरता है, ज़्यादा बाहर चला जाता है, और जब हम संख्या को त्रिविम में लेते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम घनमूल निकालते हैं तो हमें संख्या छोटी होगी, छोटा उसका रेडियस मिलेगा, और वर्गमूल में संख्या बड़ी रहती है तो हमें बड़ा रेडियस मिलता है। तो इस प्रकार से वृत्त जो हमारा जो सीमा रेखाओं से बाहर चला जाता है, जबकि उससे छोटा हमें गोला प्राप्त किया जा सकता है।
इससे वृत्तों का आकार काफ़ी कम हो जाता है। ग्रामीण जनसंख्या के बिंदुओं को गोले के अंदर नहीं अंकित किया जा सकता। इसकी रचना प्रक्रिया के सारे आधार स्टेज और बोर विधि जैसे ही हैं, केवल गोलों का अर्धव्यास वर्गमूल की बजाय घनमूल से निकाला जाता है। इसमें निश्चित आकार के एक बिंदु का मापक निश्चित करके गोले का अर्धव्यास निम्न प्रकार से, कहने का मतलब जिस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार द्वितीय जनसंख्या बटे जो न्यूनतम संख्या मांगे उसकी जनसंख्या इंटू बिंदु का अर्धव्यास, जिसके एक हम मानते हैं उसको, और फिर इसको कैलकुलेट करके या तो घनमूल निकालो या फिर सभी जनसंख्या है उनका पहले घनमूल निकालिए, फिर द्वितीय जनसंख्या का घनमूल घनमूल बटे न्यूनतम संख्या का घनमूल इंटू माना गया अर्धव्यास। दो तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इस सूत्र की सहायता से कि हम पहले नेक्स्ट संख्या का घनमूल नेक्स्ट संख्या बटे न्यूनतम संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास ये कैलकुलेट करें और इसके बाद इसका घनमूल निकालें, या फिर सभी संख्याओं का घनमूल निकाल लें पहले और फिर हम नेक्स्ट संख्या बटे न्यूनतम संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास से गुणा करें और हमें रेडियस प्राप्त करें। इस तरह नगरों के अर्धव्यास ज्ञात करके मानचित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वृत्त की जगह गोले, जो भी आपका अर्बन सेंटर है वहाँ पर गोले बनाकर और उस पर अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल खींचा गया है। तो ये त्रिविम हो गए, इसके अंदर हम बिंदु नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें बिंदु हमें दिखाई नहीं देगा। ग्रामीण जनसंख्या हम इसके भार बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और शहरी जनसंख्या के स्थान पर हम इसके गोले खींचेंगे। तो ये आपकी स्टैंडिंग एयर विधि हुई। इस वीडियो में हमने दो विधियों का अध्ययन किया है, एक स्टीलजैन बोर और स्टैंडिंग एयर विधि। इसमें एक के मूल्य हमें वर्गमूल के अनुपात में होते हैं, दूसरे घनमूल के अनुपात में होते हैं। इसकी सहायता से हमें अपने स्टेट के या अपने ज़िले के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आंकड़े लेते हुए कम से कम हमें 2 सीट तैयार करनी है और इस विधि को कंप्लीट करना है। त्रिविम आरेखों के उसमें यदि हम बात करें, जब आंकड़ों में अत्यधिक विस्तार या अंतर हो तो त्रिविम आरेख बनाए जाते हैं। किसी भी मूल्य को प्रकट करने से पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार समान आकार वाले घनों का हमने घनमूल घनों वाली विधि पढ़ी, पुंज बना ब्लॉक पुंज आरेख बनाते हैं, इसे ब्लॉक पुंज विधि कहते हैं। इसी प्रकार मूल्यों के घनमूल ज्ञात करके आनुपातिक गोलों के द्वारा प्रदर्शित करने को वृत्त और छोटे अर्धव्यास आते हैं, अतः महानगरीय जनसंख्या प्रदर्शित करने के गोली आरेख का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रदेश से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को एक साथ प्रदर्शित करने के बिंदु विधि का परिष्कृत रूप स्टीलजैन बोर विधि और स्टैंडिंग एयर विधि है। स्टीलजैन बोर विधि में ग्रामीण जनसंख्या बिंदुओं के द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वृत्तों के अर्धव्यास नगरों की जनसंख्या के अनुपात में परिकृत किए जाते हैं और स्टैंडिंग एयर विधि में ग्रामीण जनसंख्या बिंदुओं के द्वारा नगरीय जनसंख्या गोलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नगरीय केंद्रों की जनसंख्या अत्यधिक होने पर स्टीलजैन बोर विधि में नगरों के वृत्त पर बहुत बड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी मानचित्र सीमा से बाहर चले जाते हैं तथा एक वृत्त दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। अतः स्टीलजैन बोर विधि में अनुपातिक गोलों का अर्धव्यास घनमूल से ज्ञात करने के कारण गोले छोटे बन जाते हैं। तो ये हमें इस सारांश के रूप में त्रिविम आकृति के जो है आपका घन है, आपके ब्लॉक पाइल है, वृत्त है, गोले हैं, स्टीलजैन बोर है, स्टैंडिंग गियर विधि है, इनका हमने इस पिछले वीडियो सहित इसका संपूर्ण अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।